गिर गया जी, गिर गया जैकेट का रेट, गिर गया सस्ता कर दिया, पाँच का पाँच सौ भी आज कल। गाइस, अब तक की जर्नी आपने देखी होगी मेरे पिछले व्लॉग में। तो हम पांच दोस्त अब निकल चुके हैं अपने मनाली के सफर में। थोड़ी दूर के सफर में फिर हमें मिलता है एक मजेदार कैरेक्टर, चलो आपको रूबरू करवाता हूँ उससे। जब सब कुछ मस्त होता है तो समझ जाओ प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक तो ये है और एक, हाँ जी, गलत बुकिंग क्यों भैया, कंफर्म हो रखी है बुकिंग हमारी पूरी। क्या सर, जनवरी की और की है? अरे सर, तो क्या करें सर बताओ। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है मिलजुल के होटल ढूंढने का। हमारे पास भी तीन रूम खाली हैं। आगे हेलो, वो डबल एक आया खाली, दो ही बेड वाला, दो बेड, वो डबल बेड यानी क्या बोल लेंगे, फोर बेड फैमिली सवारी थी ऐसा ना दोस्त, 2500 रुपए में कमरा लग रहा। इस दौरान हम बहुत सारे होटलों में भटके और देखा बेस्ट होटल, लेकिन बहुत सारे होटलों में 3 डेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और साथ ही साथ हमें फैमिली होटल भी नहीं मिल रहा था, तो हम ऑलमोस्ट हार मान चुके थे। तो फिर हमारी नजर पड़ी इस होटल में। तो दोस्तों बॉलीवुड में हम एक ही एक्ट्रेस के फैन, उसका नाम है सही पकड़े हैं। तो दोस्तों अब दीपिका के दिल तक पहुंचने की चाबी मिल गई है। दोस्तों हमें होटल मिल गया था और हमने डिनर भी कर लिया है। अब मैं आपको मनाली की क्यूट सी डिश दिखाने वाला हूं, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो देखिए, तो गाइस आज हम आपको 30 रुपए के 13 रसगुल्ले गुलाब जामुन दिखाने वाले हैं, वो भी इतने छोटे से फेमस, वो भी इतने छोटे से बाउल में, मनाली के फेमस मैजिक। देख पा रहे मुंह के अंदर पानी आ रहा, नहीं आ रहा, सोचो 30 रुपए के 13 गोलगप्पे। गुलाब चेरी भी कह सकते हैं, गुलाब की चेरी। तो फाइनली गाइस पेट पूजा हो चुकी है, अब हम आराम करेंगे और कल हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड प्लेस जाना है, तो उसके लिए हम अपने आप को हील करेंगे। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम मनाली की पहली किरण के बाहर आ चुके हैं।